तो है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। और दोस्तों देखिए, बहुत भयंकर ठंडा पड़ गया है, कैसा लग रहा है देखिए इधर। और यहाँ जो लड़कियाँ आती है इतना टाइम में, मेरे नहाने के टाइम में, आज आई नहीं है क्योंकि ठंड के मारे लोग आती नहीं है अभी। देखिए कोई नहीं है, आज वैसे लेट हो गया तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट नहा लेता हूँ। और शायद आज 12-1 बजे शायद गाँव जाना पड़ेगा, तो देखते। बहुत ही ठंडा लग रहा है, अभी हिम्मत नहीं हो रहा नहाने का, पर बिना नहाए अच्छा नहीं लगता है, और दुकान भी कैसे खोलूँगा बिना नहाए। तो देखिए कितना भयंकर लग रहा है, देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा, देखिए ठंडा पानी है पूरा, सही में कोई भी नहीं आया है नहाने के लिए। उतना भी नहीं है पर है, अब लगा ठंडा तो नहा लेते हैं दोस्तों, बहुत टाइम हो गया। तो है दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। और दोस्तों देखिए, दुकान खोल चुका है और मैं आ चुका हूँ। देखिए अभी नहाने के बाद उतना भी ठंडा नहीं लग रहा, पर कुछ देर बैठूंगा तो भयंकर ठंडा लगेगा। और इधर गरम गरम चाय भी है, चाय इसे पकड़ने तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा। और दोस्तों आज जब मैं वीडियो बनाने के लिए खदान लेके गया था मोबाइल, तो आज किस्मत बहुत अच्छा था कि मेरा मोबाइल बच गया, क्योंकि वीडियो वसूल करके जब मैंने टावल पर रख दिया मेरा मोबाइल, और नहा के ध्यान नहीं था, नहा के आने के बाद जैसे टावल उठाया तो मेरा मोबाइल पूरा सीधा खदान में घुस गया, पानी में, इतना पानी में घुसा, इतना पानी में घुस गया सीधा। मेरे को लगा कि यार मेरा गया, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर हाथ लगा के निकाला मोबाइल तो अंदर पानी घुसा नहीं था, थोड़ा थोड़ा कि बच गया था, मतलब चल ही रहा। देखिए देखिए मोबाइल चालू है, तो जैसे मोबाइल निकाल के उसको पोछा पोछी किया तो वो मोबाइल ऑफ हुआ नहीं, मतलब मेरा मोबाइल बच गया। मेरा आज सब कुछ टूट जाता मोबाइल की वजह से, मतलब क्या बोले, अगर मोबाइल चल जाता तो मेरा बहुत कुछ बर्बाद हो जाता। आज वीडियो बना नहीं पाता बहुत, और बहुत से चीज़ भी है इसमें जो कि नहीं हो पाता, नंबर वंबर सब कुछ। अरे भगवान, मेरा वीडियो एडिटर का भी नंबर वहीं पे है, और जो वो मेरा हेल्प कर रही है वो लड़की, उसका भी नंबर यही है, मतलब पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाता। हे भगवान, चलो मेरा किस्मत ठीक था कि मेरा बच गया, मेरे को अभी ये महसूस हो रहा है, नहीं तो मेरा ये वीडियो फिर सब बेकार हो जाता, इतना बड़ा जो अभी काम करने जा रहे हैं वो सब बेकार हो जाता। हो कहाँ ग्रीप आर से हॉकी ने लगा दी से जो एंटी सारी ने मार ले ना सिर्फ काटे या फिर ग्रीप लगे कि ना मार पुरा नहीं काटे। दोस्तों अभी चलिए नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने में गाड़ी वाला भी आएगा, अभी लड़का आएगा अभी, तो उससे भी सामान रखना है, अभी सामान भी ज़्यादा है और उधारी होने के चांसेस आज ज़्यादा बन रहे हैं, तो देखा जाएगा। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, यहीं पर बैठे, थोड़ा धूप निकल भी नहीं रहा है जल्दी। ओ तो देखिए नाश्ते में क्या है, और उधर आज गांव तरफ जा रहा हूँ मैं, अभी तो कन्फर्म नहीं है लेकिन जाऊँगा सोच रहा हूँ, तो अगर मोबाइल ख़राब हो जाता तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता, अभी कहाँ भी नहीं जाता मैं। तो देखिए ये कितना कितना रोटी पिट्ठा है, चावल का पिट्ठा बनाया हुआ है, छिलका पिट्ठा बोलते हैं लोग। तो खा लेते हैं पहले, दोनों तरफ का काम हो रहा, देखिए इधर दुकान देखना और इधर नाश्ता करना। तो दोस्तों मैंने सामान रख लिया, और आज 830 रुपये का उधारी हो गया। क्या करें, हो जाते हैं, अब तो आदत हो रहा है धीरे धीरे। और दोस्तों आज एक नया चीज़ देखने का, मेरे दुकान में और एक डेंजर आ गया, देखिए लॉस करने के लिए। वैसे तो पहले ये दो टांगों वाला घूम रहा है आमने सामने लॉस करने के लिए, पर एक और चीज़ आ गया है चार टांग वाला दुकान बर्बाद करने के लिए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये अभी मैं इस बिस्किट सबको सजा के रख रहा था, तो ये वाला मिला मुझे, ये पैकेट तो देखिए, और इसमें ये क्या हुआ है देख लीजिए, आप ही पता लग जाएगा आपको। तो ये देखिए, तो मुझे लग रहा था कि दुकान में चूहा हुआ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं करेगा, पर ये इसको देख के मुझे अभी बहुत अफसोस हो रहा है कि सारा चूहा भी मेरे दुकान में घुस गया है अभी, तो बिस्किट खाना स्टार्ट कर दिया। देखिए अब अगर एसी खुला रखा रहूँगा तो ये पूरा बर्बाद करके छोड़ देगा, मुझे पता चल रहा है। देख
सबको ख़राब कर देगा खा के। मैं ऐसे ही खुला रख देता हूँ सभी चीज़ें। सर इसको सजाना, उसका इलाज कैसे करूँगा बता, कहाँ पे है वो भी पता नहीं चल रहा। यहाँ रास्ता है नहीं एक्चुअली चूहाने के लिए, पर ये कहाँ से आ गया मुझे ही पता नहीं चल रहा। कहीं जगह नहीं है चूहा आने के लिए, और ये सारा कहाँ से आया, और ये मेरा बिस्किट खा गया 5 रुपये का, इसको कहाँ मिले। एक बार दिख जाए तो मार के फेंकूँगा उसको, छोड़ूंगा ये सारा। एक पैकेट में यही एक निकलता है फ़ायदा, एक पैकेट में इसी इतना ही फ़ायदा निकलता है, इससे भी कम निकलता है। पर ये ले लिया मेरा, इसको ढूंढना पड़ेगा, इसको खोज के मार ही देगा मैं, कहाँ है पता नहीं सारा। डेंजर आ गया सारा दुकान में, खराब सर तरफ से सारी लॉस ही लॉस करने के लिए सब बैठा है मेरे साथ में। तो ये दोस्तों अभी 5 बज चुके हैं अभी शाम के, और कल जो बोल रहा था कि मैं आज गांव जाऊंगा, जा नहीं पाया। और मामा का लड़का जो मेरे साथ हम लोग के घर में है, उसको भी मैंने आज रोक के रखा था कि शाम को साथ में चले गए वो के, पर मेरी वाइफ को जो मना किया कि कल छुट्टी कर लेना बच्चे, नहीं तो रोएंगे बहुत जोर, तो वो मानी नहीं, और इसलिए दिमाग ख़राब हो गया मेरा, गुस्सा के चक्कर में दिमाग ख़राब हो गया। बहुत बहुत मन था जाने का, बहुत मन था जाने का, पर आदमी माने तब ना, उसको काम से सिर्फ मतलब है, वो बच्चे रोए या कुछ भी हो उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो अभी शाम को जाने वाले थे पर मैं जा नहीं पाया, तो मैं जाके पान पुस्तक मेरे भाई को छोड़ के आ गया और गया नहीं। बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं जा नहीं पाया इस बार वहाँ पे, यार छोड़ के जा सकता था, पर बच्चे बहुत रोएंगे यार, सही टाइम में ये लोग भी उठ गए यार, जल्दी से उठ गए दोनों, बहुत रोते पापा पापा बोल के बहुत खोजते हैं, अब मैं नहीं रहूँगा तो वो रह नहीं पाएंगे बच्चे, तो उसकी माँ रह जाती अगर तो बच्चे रह जाते, पर वो जानबूझ के रहेगी नहीं घर में क्योंकि बच्चे संभालना पड़ेगा। दिमाग में बहुत गुस्सा लग रहा है इससे। है दोस्तों देखिए अभी 6:30 बज रहे हैं, पर आज अभी तक आई नहीं है मेरी भाई काम से, देख रहे हैं कितना शाम हो गया, कितना अंधेरा हो चुका है, पर अभी तक आई नहीं है। बच्चे इधर स्वेटर पहना रहे हो, बार बार फेंकते जा रहे हैं वो, तो बच्चों का इतना चिंता, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं है बच्चों का, तो घर में रहेगी वो, तो घर में रहने से सारा बच्चे पकड़ना पड़ेगा बोल के भाग जाती है शायद, और क्या करें देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी तक तो इसकी माँ आई नहीं है, पर ये लोग का कारनामा देख, चलिए मैं दिखाता हूँ दोनों को। देखिए इसका स्वेटर पहनाया हुआ था, सब ये खोल के फेंक दिया है, ये टोपी मेरे पास है इसका, देखिए मंकी का, और ये घर में क्या किए हैं दोनों को देखिए। मुझे लग रहा था कि मेरी माँ और लोग के साथ है, पर वो उधर खाना बना रही थी शायद, तो ये लोग देखिए यहाँ क्या 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 कारनामा किया, देखिए यहाँ ये देखिए, देख रहे हैं जितना सजा के रखाया गया था सब सामान यहाँ पे ये लोग सब फेंक के रख दिया है, देखिए दोनों को। मुझे लगा मेरी माँ खिला संभाल रही बच्चों को, पर वो अपना उधर लगी हुई थी, और ये देखिए यहाँ पे क्या किया है ये सब, देख रहे हैं आवाज़ हो रहा था, पर मुझे लगा कि ये लोग तो माँ तो बैठी है साथ में सब खेल रहे हैं, और किसको पता था कि ये लोग ऐसा किया हुआ है। देखिए नोटोगी देखिए लोग का, मैं छोड़ दूँ। तो दोस्तों देखिए अभी 8 बज चुके रात के, और अभी तक वो आई नहीं है अभी तक, अगर बच्चों का चिंता होता तो अभी तक आ कब से आ चुके हैं, बच्चे रो रहे हैं इसको दूध 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 बना देना, तो मैं दूध बनाऊंगा अभी, इसको सुलाना पड़ेगा अभी। हाँ अच्छे अच्छे रे अच्छे रे, रमो दूध देवी ना, तो अभी तक आई नहीं, मैं इतना गुस्सा लग रहा है ना आज इसका, इसको आज सही मार दूंगा इसको आने से, मेरा इतना गुस्सा लग रहा है। रो बेटा मुझे दूध इधर रोबान पे ना, रोबान पे ना रो, अरे देख 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 पड़ जा पड़ जी गोगना। तो रात के 8 बज चुके हैं, सर बच्चों को छोड़ के अभी तक ये घूम रही है, ऐसा क्या लोन उठा रही है जो अभी तक सर वहाँ पे वहीं पर है, अभी तक आई नहीं है। इसका बोतल मिलेगा तब तो इसके लिए दूध बना दूंगा। ठीक है ठीक है चुप चुप मार, मौत
सुना। नहीं नहीं दोस्तों ये इसको मांग रहा है, इसका मेरा है, मेरा है तो मैं इसको दे देता हूँ। रॉब देखी अभी वो देखिए फिर से ना हम सुए दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए 8:30 बजने वाले, अभी तक वो लोन निकालने गई है, पता नहीं कितना निकालेगी पैसा। बच्चों का चिंता ना, घर का चिंता ना, दुकान का चिंता। अब मैं अभी गांव जाने वाला था, उधर रोक दिया, ये नहीं आज नहीं जाने से नहीं होता बोला, एक ही बार शादी में चलेंगे बोला। और उसको देखो क्या कर रहा है, ये इसके माँ के बिना रहता नहीं है, सोता नहीं है देखिए, पर अभी समझ रहा है थोड़ा सा, दूध बिना दूध के पीने सोने खुद रहा है, सोएगा तब तो। ये तो डिब्बा दूध खा के सो जाता है खुद, तो लाइट ऑफ करने से शायद सोएगा इसको। किचन 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 सुबह सुबह लो जल दे भाई, जल दे तो दोस्तों सुला लेते हैं इन लोग को, फिर चलेंगे दुकान, उधर रिचार्ज करने ही बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सुई पड़ो दूध खाकर सो, तो दूध खाकर सो चुपचाप, अरे किसी देखा देखे नहीं, चुपचाप दूध खाकर सो, रुता रहो तो छुपो बेटा छुपो राजा बेटा सोई पड़ो सोई पड़ को मैं छुना रहे तो सोई पड़ बारे। ढापी चेक कर दिया, मैं ढापी दीछे वहाँ, इतना गुस्सा लग रहा है ना मेरे को आज, सही में बहुत बहुत भयंकर गुस्सा लग रहा है। अभी तक उसका पता नहीं है बच्चे खाए पिए कि नहीं खाए, कोई चिंता नहीं है सर, कब आएगी कब पता। अभी लोन निकालने के लिए उसका दिमाग। तो दोस्तों मैं सुला लेता हूँ लोगों को, पता नहीं सो रहे कि नहीं, ये तो सो जाएगा पर ये पता नहीं सोएगा ये नहीं, देखते हैं। तो बने रहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों अभी 8:30 बजने के बाद आ गई वाइफ, और बहुत डांटा मैंने उसको गुस्से से, मैं दिमाग ख़राब हो रहा था इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया, नहीं तो मैं उसको भी दिखाता, और बच्चे भी डांटने की वजह से बच्चे भी मेरे रोने लगे, तो मैं इधर आ गया दुकानदार आ गया। तो अभी उसको सुला दी है शायद, सुला रही है। बहुत गुस्सा लगता है कभी, मुझे जाना था, मुझे मना कर दिया उस, वो लोग घर से कहीं निकलने नहीं देता, इससे फंसा दिया मैं। छोड़ते दोस्तों आज दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पे अगर नया है तो कमेंट करिए, सॉरी सब्सक्राइब करिए, और बेल बटन को दबा दीजिए। और दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, जय श्री राम।